कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को रायपुर पहुंचेंगे और वहीं रायपुर में राहुल गांधी राजीव युवा मतदान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में शामिल होने पर प्रदेश में लगभग 1,00,000 युवा रायपुर पहुंचेंगे और राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। सीएम भूपेश बघेल देर शाम सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा उनके द्वारा लिया गया और साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी नवा रायपुर स्थित सभा स्थल का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि सभी पंचायतों में 25-25 युवा रायपुर वहां पर उनको बुलाया गया है आम जनसभा को संबोधित करने के लिए। राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके द्वारा बैठक लेंगे और उसके बाद बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। आम सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक लेंगे और इसके बाद बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल राजीव मितान क्लब के सदस्यों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर से हजारों सदस्य आएंगे। देखा जा सकता है नया रायपुर का मेला मैदान में पूरी तैयारी की गई है। हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश के युवा पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। देखा जा सकता है पीसीसी चीफ दीपक बैज अपने पूरे साथियों के साथ, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि युवाओं पर खासा फोकस है, कितना उत्साहित है युवा। देखिए कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं रायपुर और कल युवा मितान सम्मेलन आयोजित किया गया है जो प्रदेश के कोने कोने से लोग, हर पंचायत से 20 से 25 युवा आएंगे और करीबन 3 से 4 लाख युवा इस सम्मेलन में शामिल होंगे और युवाओं में काफ़ी उत्साह है। गांव-गांव में ज़बरदस्त तैयारी है। राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए पूरा युवा आएंगे और कल का जो सम्मेलन में माननीय राहुल गांधी जी शामिल होकर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और देश की युवाओं को इस मंच के माध्यम से संबोधन कर संदेश भी देंगे और आने वाला चुनाव के भी हम लोग के लिए तैयारी रहेगी कि युवा आज पूरे छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की ओर जुड़े हुए हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा आने वाला नवंबर में जब चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी को मदद करेंगे और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये हम लोग लगभग पूरे युवा उनके दिमाग में और वो ठान लिए। एक बैठक भी होने जा रही है, हाई प्रोफाइल बैठक के इस कार्यक्रम के बाद होगी, क्या स्वरूप होगा? हाँ, समय कुछ बाकी है कि कार्यक्रम बाद 2 से 4, 4 से 5:40 फ्लाइट लगभग है, इस बीच में लगभग 1 घंटे समय है हमारे पास। तो माननीय हमारे नेता राहुल गांधी चाह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर लें छत्तीसगढ़ चुनाव संबंधित और यहाँ के कार्यों को लेकर, तो उसके लिए भी तैयारियाँ चल रही। तो सभी स्तर पर जो तैयारियां हैं वो चल रही देखा जा सकता है। 3 से 4 लाख लोगों को लाने का टारगेट रखा गया और पूरे प्रदेश से राजीव युवा मितान क्लबों के जो सदस्य हैं हर पंचायत से 25 सदस्यों को लाने की तैयारी भी की गई है और भव्य डोम सजाया गया, भव्य पंडाल जो है वो सजकर तैयार है और इसी जगह में कल राजीव युवा मितान सम्मेलन होने जा रहा है जहाँ पर राहुल गांधी जो है वो प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।